अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैर खैरियत से होंगे। मयूर विलास में आपका वेलकम करता हूँ और नई नई जॉब्स के साथ मैं आपको आगाह करता रहता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट है वो शुरू होने जा रहा है जद्दा से रियाज का। पहले आपको पता है कि मक्का से मदीना, बीच में जद्दा भी शामिल था, तो रेलवे ट्रैक जो है वो शुरू हुआ हुआ था और वो कम्प्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। इसके साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो जॉब से रिलेटेड है वो ये कि अब हर बंदा जो है पूछ रहा है कि सेफ्टी करके मैं आ जाऊँ, सेफ्टी कोर्स तो जॉब मुझे मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि भाईजान, अगर आपके पास डिग्री है कोई बैचलर की और प्लस आपने सेफ्टी का कोर्स किया हुआ है, यानी कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको जॉब यूँ करके मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सेफ्टी का है तो कोशिश करो कि सेफ्टी के साथ जो है वो कुछ एक्सपीरियंस जो है वो ऐड अप कर लो, यहाँ का ऐड कर लो, या फिर आप पाकिस्तान का जो है वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस ऐड करो, ताकि अगले बंदे को कुछ पता तो हो कि मतलब हाँ भाई इसने पहले सेफ्टी का काम किया हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि सिर्फ काम चलाने के लिए वो आपको सेफ्टी इंजीनियर रखेंगे या सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे। जो काम चलाने के लिए ना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो सऊदी जो नेशनल्स हैं उनको हायर किया होता है। तो आप जैसे बंदे, हम जैसे बंदे, पाकिस्तानी, इंडियंस और इधर उधर के बंदे, उनसे काम करवाने के लिए जो है वो सेफ्टी ऑफिसर उनको चाहिए होते हैं। आपका मैंने जो भी हो वो चल जाता है, लेकिन आपने जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का काम करना होता है, सेफ्टी इंजीनियर का। खैर, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही अभी फील्ड की डिमांड है। आपको अगर चीजें नहीं आती है ना तो आप फेल हो, ठीक है। देखें, अगर आप किसी तरह से जो है वो किसी सिफारिश के थ्रू अगर जॉब हासिल कर भी लेते हो और अगर आपको चीजें नहीं आती होंगी तो कंपनीज जो है ना वो आजकल टाइम नहीं लगाती हैं, ठीक है, बंदे को जो है वो फारिग कर देती हैं, काम से निकाल देती हैं। तो उसके लिए काम आना जरूरी है। इसलिए जो भी चीज़ें इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो आपके साथ, उसको आपका जो भी एक्सपीरियंस हो उसको आप प्रॉपर तरीके से डिफेंड करो, ताकि एक चीज़ का आपको पता चले कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ लिखी हुई है, इसका एक्सपीरियंस वाकई मेरे पास है। यानी अगर आप सेफ्टी का ये होता है कि अगर आप चीज़ों को डेप्थ में जाकर स्टडी करो तो रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों से डिस्कस करो, मेरे से पूछ लीजिएगा और मैं आपको कोई जो है वो दोस्त सजेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद आप देख सकते हो चीज़ें, उनसे पूछ सकते हो जो एक्सपीरियंस लोग ऑलरेडी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे चीज़ें पूछ सकते हो और उसके बाद जो है वो आ सकते हो। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है इस तरह की, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज कर रहे थे। तो यार, कंपनीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कौन कौन सी कंपनीज फिलहाल जो है वो जॉब ओपनिंग्स है उनके अंदर। तो काइंडली आप लोग पिछली वीडियोज़ को देखें और उनमें से जो कंपनीज हैं उनको निकालें और उनमें अप्लाई करें। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।